ये 1941 की बात है। उस समय नाजी आंदोलन जर्मनी और यूरोप के कुछ हिस्सों में बढ़ रहा था। एक दिन ऑस्ट्रिया में जर्मन सैनिकों का एक समूह घरों में घुस गया। एक अमीर यहूदी परिवार के घर में वो जबरन घुस गए और सभी बड़ों को अपने साथ ले गए। सब कुछ लूट लिया गया और दो बच्चे, 12 साल की लड़की और 8 साल का लड़का, उन्हें पकड़कर एक रेलवे स्टेशन ले जाया गया। यह नवंबर के अंत या दिसंबर का समय था जब मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। उन्हें 3 दिन तक रेलवे स्टेशन में रखा गया क्योंकि ट्रेन नहीं आई। लड़के, छोटे लड़के, यूं ही आपस में फुटबॉल खेलने लगे। वो फुटबॉल खेल रहे थे और अचानक ट्रेन आ गई। ये ट्रेन यात्री ट्रेन नहीं थी, सामान ढोने वाली मालगाड़ी थी। तो जब ट्रेन आई, सिपाहियों ने आकर हर किसी को मालगाड़ी के अंदर डिब्बों में ठूस दिया। हर कोई अंदर चला गया, वो छोटा लड़का और लड़की भी अंदर गए। मगर लड़का अपने जूते पहनना भूल गया, उसके जूते बाहर थे और उसे डिब्बे में धकेल दिया गया। वो बिना जूतों के आया। उसकी बहन, 12 साल की लड़की ने अपने छोटे भाई को जूतों के बगैर देखा और वो गुस्से से पागल हो गई। उसने भाई के कान मरोड़े, उसके कान खींचे, उसे बुरी तरह डांटा और चांटा लगाया। वो बोली, बेवकूफ, हम पहले ही मुसीबत में हैं और तुम अपने जूते छोड़ाए? क्योंकि जर्मनी की सर्दियों में जूते ना हो तो पैर गंवाने पड़ सकते हैं। इसलिए वो गुस्से में थी। अगले स्टेशन पर लड़कों और लड़कियों को अलग कर दिया गया। 4 साल बाद जब लड़ाई खत्म हुई, वो बंदी शिविर से बाहर आई और उसे पता चला कि उसके परिवार के 17 सदस्य, उसके छोटे भाई समेत, सारे गायब हो चुके थे। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई अता पता नहीं, वो बस गायब हो गए। उस समय उसे बस एक ही बात सता रही थी और वो थे वो आखिरी शब्द जो उसने अपने भाई से कहे थे। वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है, मगर उसने अपने भाई को जो आखिरी शब्द कहे थे वो इतने बुरे थे कि वो बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं और उसे सताती रहीं। मैंने अपने भाई को ये आखिरी शब्द कहे थे और मैं कभी उसे नहीं देख पाऊंगी, वो जा चुका है। So she took a vow. तो उसने एक शपथ ली, अगर मैं अपने जीवन में किसी से भी बात करूंगी, मैं ऐसी बात करूंगी कि अगर ये मेरे आखिरी शब्द हों तो मुझे कभी पछताना ना पड़े। इस एक चीज ने उसके जीवन को बदल कर रख दिया। She went on to United States. वो अमेरिका गई। उसकी 2006 में मृत्यु हुई। उसने बहुत बढ़िया काम किया, उसने एक अस्पताल बनवाया, मेरे ख्याल से शिकागो के पास कहीं। उसने एक बहुत सार्थक जीवन जिया। मैं कह रहा हूं कि चाहे आपको सबसे भयानक परिस्थितियों से क्यों न गुजरना पड़े, आप या तो उस अनुभव का इस्तेमाल एक बेहतर इंसान बनने के लिए कर सकते हैं या जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए। तो जब भी कोई चीज आपको चोट पहुंचाती है, आपके पास दो विकल्प हैं। आप चोटिल हो सकते हैं या समझदार बन सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। जीवन की शुरुआत में ही आपको जितनी चोटें लगती हैं, आपको उतना ही समझदार बन जाना चाहिए। मगर अफसोस कि ज्यादातर लोग चोटिल हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी ही बुद्धि को अपने खिलाफ पलटने के लिए बस एक बहाना चाहिए, बस। खासकर जब आपके आसपास की दुनिया आपके खिलाफ हो, तो क्या यह बहुत जरूरी नहीं है कि आपकी अपनी बुद्धि आपके साथ हो?